मतलब ये आंसर देने में बहुत वक्त लग गया, बट हम लोग वापस सेम टीम से खेलने वाले हैं इस बार. आई नॉट श्योर वेदर आई एम गोइंग टू बी हियर और नॉट, बट ये मैटर होगी. एंड हम लोग दिल्ली ड्रैगन्स से खेलने वाले हैं. मेरी परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ेगा बिकॉज मैं खेल ही नहीं पाता हूँ. पर इस बार भी आई थिंक दिल्ली हैज़ बिन द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑलवेज. लास्ट ईयर आई वॉज अ पार्ट ऑफ चेन्नई स्वैगर्स एंड आई डोंट रिग्रेट दैट एट ऑल. पर दिल्ली इज़ होम फॉर मी बिकॉज वो टीम कहीं ना कहीं हम सब ने मिलकर बनाई थी, और अभी भी वो स्प्लिट हो रही है तो वो ऑब्वियसली वो मज़ा नहीं रहेगा. बट आई थिंक दैट्स द ट्विस्ट इन द इंटायर सीजन वेयर यू विल गेट टू सी डिफरेंट प्लेयर फ्रॉम डिफरेंट टीम्स, और वही एक स्पाइसी चीज़ होने वाली है शो में. आई थिंक दिल्ली इज ऑफकोर्स द मोस्ट फेवरेट. येस आई थिंक दिल्ली. येस वी आर क्वाइट फॉलोअर्स. या फिरोजा यू गो फर्स्ट. शिल्पा शिंदे. आई थिंक शी शुड बी इन बिग बॉस. आई थिंक शी इज द परफेक्ट कंटेंडर फॉर बिग बॉस, बट नेक्स्ट ईयर विल पुश हर फॉर श्योर. सो यू सपोर्ट शिल्पा शिंदे? या आई सपोर्ट विकास टोटली बिकॉज इज अ फ्रेंड. He's been playing really well, and it's a compliment when everyone tells him that he's a what do you call it, mastermind. And it's you really need guts to be on the show and still play so well and still be so attentive and play how he's playing. So I'm completely supporting Vikas. See, as I always say, ki 24 घंटे कैमराज लगे होते हैं और हम लोग सिर्फ एक घंटा देख पाते हैं उसमें से. तो वो हमेशा वो दिखाया जाता है, वो दिखाना होता है. पर जो भी दिखाया जा रहा है वो हिना, आई पर्सनली एज अ पर्सन आई डोंट लाइक, बट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाली लड़की हैं, और अगर वो अपनी बात के लिए स्टैंड लेती हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है. बट हर इंडिविजुअल इंसान का भी एक ओपिनियन होता है, और मेरा ओपिनियन ये है कि आई डोंट कनेक्ट विद हिना एट ऑल इन द शो. What I can see from this side of television. So yeah, that's it. Say it. ये मेरी तरह manipulate करके नहीं बोलेंगी, ये साफ साफ बोलती हैं. So that's what I'm saying she should be. So say it. Go Firoza. मुझे हिना खान एक नंबर की नौटंकी लगती है, और अच्छा खेल रही है अब तक. बहुत बात का बतंगड़ बनाना, नाटक करना, बहुत हरकतें कर रही थी. But I think कल मुझे हिना खान के वजह से विकास और प्रियंका थोड़ा चीज़ ऐसे देखने में आई कि ये लोग स्टार्ट से मिलकर खेल रहे हैं. जो अब जाके हितेन गया है तो खुल गया बिकॉज ऑफ हिना ऑफकोर्स. तो सिर्फ कल के लिए मुझे एपिसोड के लिए हिना अच्छी लगी, अदरवाइज आई डोंट लाइक. थैंक यू.